अहम खबर आपको देंगे। बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद मुल्क छोड़ गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बांग्लादेश में इसमें मिलिट्री कू अंडरवे। बांग्लादेश की शेख हसीना कहा जा रहा है फ्लीस टू इंडिया। नाजीने कराम, बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद ने वो आग लगाई कि बिलाखिर ये आग हसीना वाजिद को अपनी लपेट में ले चुकी है। हसीना वाजिद ने वजीर आजम हाउस छोड़ दिया और आर्मी चीफ ने आकर ऐलान किया कि हसीना वाजिद, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा एसेट है, हसीना वाजिद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अवाम की मर्जी और अवाम की मंशा के आगे घुटने टेक दिए गए हैं। तो बांग्लादेश जो है उसको वो भी अब काफी ज्यादा वहां के हालात खराब हो गए, बहुत ज्यादा खराब हो गए। बांग्लादेश की फौज ने इक्तदार संभाल लिया है बांग्लादेश के अंदर। हम ये सोच नहीं थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी, वो जैसे आप कहते हैं ना कि होगी कोई 21वीं सदी के अंदर, 2024 के अंदर, आई डू नॉट एक्सपेक्ट। हारून साहब, ये जो बांग्लादेश में हुआ इसका पस मंजर क्या था? देखिए, इसके कई पहलू हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस बार इसके बाद जो है वहाँ की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसको चीजों को, हालात को कंट्रोल करने के लिए ये करना पड़ना था, हालात को भांपते हुए ये किया है। ये आने वाले वक्त के लिए बांग्लादेश की सियासत में एक और नासूर की तरह से रहेगा। और आप देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। खबरों के अनुसार शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके इंडिया पहुंच चुकी हैं। हालांकि यह बताया जा रहा है कि शेख हसीना यहां से आगे वो इंग्लैंड जाने वाली हैं। तो वहीं पे बात करें बांग्लादेश की, तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया जो डिस्कशन कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर पिछले दिनों जो स्टूडेंट्स का आंदोलन रहा उसने जोर पकड़ा और फिर बांग्लादेश की आर्मी ने बांग्लादेश में टेक ओवर किया। हालांकि जितना मामला सीधा दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय में बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामिक चरमपंथी है उनकी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ रही थी, जिसके ऊपर बांग्लादेश की हसीना सरकार काफ़ी सख्त एक्शन ले रही थी। और जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही यह खबर आई थी कि हसीना सरकार ने बांग्लादेश के अंदर जो जमाती इस्लामिक ग्रुप है उसके ऊपर पाबंदी यानी बैन लगा दी थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट तो था ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो बांग्लादेश के अंदर धार्मिक कट्टरपंथा बढ़ रही थी और जिसमें लगता है कि अब बांग्लादेश की आर्मी ने भी उसको साथ दिया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। अहम खबर आपको देंगे। बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद मुल्क छोड़ गए। बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने का इम्कान है। रेहान, 45 मिनट्स का वक्त दिया गया था फौज की जानिब से हसीना वाजिद को, और कि वो चली जाएं, मुल्क छोड़ दें। तो हसीना वाजिद जो है वो फौजी हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हुई हैं और उनको तकरीर रिकॉर्ड कराने का भी मौका नहीं दिया गया। अब इस सारी सिचुएशन के बाद आप समझते हैं कि आर्मी अब प्रॉपर तरीके से टेक ओवर कर लेगी? देखिए, मुझे तो याद आ रहा है कि जिस वक्त उनके अपने वालिद साहब शेख मुजीबुर रहमान जब वापस आए थे और रास्ते से उन्होंने कनेक्टिंग फ्लाइट ली थी भारत की, और भारत में उस वक्त इंदिरा गांधी और दीगर लोग जो है वो जाहिर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे और वहां पर एक जलसा हुआ था और उस जलसे को सेलिब्रेट किया था। और उस वक्त जो भारतीय हाथ थे इस खास तौर पे इस पर्टिकुलर रिजीम को मजबूत करने वाले, वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे। तो जाहिर है कि जिस वक्त हसीना वाजिद के भागने का वक्त है तो भारत ने उसको एक सेफ मकाम दिया है, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वो फिनलैंड चली जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए भी यकीनन एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि जो इस रिजीम के हाथ मजबूत कर रहे थे। मेरा ये ख्याल है कि इस बार इसके बाद जो है वहाँ की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसको चीजों को, हालात को कंट्रोल करने के लिए ये करना पड़ना था, हालात को भांपते हुए ये किया है। जिस अंदाज में उन निहत्ते तलबा के ऊपर तशद्दुद किया जस्ट फॉर देयर पॉलिटिकल गेन, जस्ट फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, लोग सड़कों पर निकले, आपने तालीमी इदारों को बंद करके देख लिया, आपने इंटरनेट को बंद करके देख लिया। और ये एक तसलसल है, ये सख्त पॉलिसीज का एक तसलसल है कि आपने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट का सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय उनको सियासी मैदान से उठा बाहर फेंका। यूं लग रहा था कि जैसे एक अथॉरिटेरियन रिजीम बन गई है। तजियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ दिया है और उनके मुस्ताफी होने के इम्कान भी सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? देखिये, पहली बात तो ये है कि जिस तरह की मूवमेंट चल रही थी बांग्लादेश में और जिस तरह की शिद्दत उसमें आई थी, उसका मंत्र की नतीजा यही होना था कि रिजीम जो है उसके चेंज होने का वक्त आ गया है।
अभी लेटेस्ट जो हमने सुना है वो ये कि आर्मी चीफ साहब जो है उन्होंने 45 मिनट की डेडलाइन दी है कि वो फॉर्मली रिजाइन कर दें और उसके बाद वो खुद कौम से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो खबरें जो हैं कि वो हेलीकॉप्टर में बैठ के भारत रवाना हो गई है। ये जो कार है ये यानी क्या वो ये सोच रही हैं कि एक दफा मुल्क छोड़ने के बाद वो दोबारा किसी तरह से इख्तदार में आ जाएंगी? तो ये तो मेरे ख्याल से करीने की आस नहीं है, मेरा नहीं ख्याल के ऐसा कुछ होने जा रहा है। और ये इस किस्म की जो डेवलपमेंट होती है पूरी दुनिया में जहाँ भी, तो उस खत्ते में भी उसके असरात जो हैं वो यकीनी तौर पर मुरतब होते हैं। सूरत हाल जिस वक्त बहुत ही नाजुक है बांग्लादेश में, तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है बांग्लादेश में, जो इकनॉमिकली बहुत ठीक था लेकिन जो पॉलिसीज थी हसीना वाजिद की, खास तौर से प्रो इंडिया पॉलिसीज, बांग्लादेश जिसके नतीजे में बना था, जो उस वक्त यानी साजिश कह लीजिए आप या बगावत कह लीजिए, जो भी नाम दे लें आप, उसके लोगों को नवाजने की जो एक पॉलिसी थी उसके खिलाफ ये जांच था जो कि बिलाखिर कामयाब हो गया है और उनको मुल्क छोड़ना पड़ा है। जी, ये आने वाले वक्त के लिए बांग्लादेश की सियासत में एक और नासूर की तरह से रहेगा। और आप देखिए कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट कह लीजिए, वहाँ की रिजीम जो है वो ब्लीड करती रहेगी, क्योंकि रॉ बांग्लादेश में साजिशें करने से ना पहले कभी बाज आई है और ना आइंदा आएगी, तो ये कोई अच्छा ओमन नहीं है। मेरे ख्याल से उन्हें मुल्क से जाने की इजाज़त देने के बजाय उनके जो भी जराइम थे, उनके जो भी यानी डीड थी, उसका हिसाब किताब मुल्क में ही होना चाहिए था। तो ये जो गुंजाइश निकाली है फौज ने, इससे आने वाले वक्त में बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल जो है वो पुरअमन रहने के इम्कान बहुत कम है। लेकिन बांग्लादेश के हालात बहुत बिगड़ गए हैं वहाँ पे। आज 50 तो सरकारी तौर पे, लेकिन वैसे बात हो रही है कि कुछ 60 से 65 लोग और वहाँ पे जो है वो अपनी जानों से गए, चिटागोंग में और बाकी जगहों पे सरकारी इमलाक को आग लगा दी है और ये सारा सारी पब्लिक निकली हुई है। फिर इंटरनेट और सारा उन्होंने बंद कर दिया, बिल्कुल टोटल ब्लैकआउट है। और एक प्रॉपर खाना जंगी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने हामियों से कहा कि तुम भी आ जाओ। इन्होंने कहा कि जी, यानी आज जो कुछ हुआ है ना, ये जो 75 लोग मरे हैं, तो इसमें इस तरह से हुआ है कि वो थानों पे वो पुलिस का असलाह लेके, पुलिस उधर मिल गई, वो डंडे उठा लिए लोगों ने, फिर वो हसीना वाजिद ने अपने लोगों से कहा कि तुम आ जाओ, वो आए तो लोगों ने पकड़ के उनको मार दिया। मतलब एक प्रॉपर खाना जंगी होती है ना मुल्क में, क्या वो इस वक्त वहाँ पर है। अब वहाँ पर माशाल्लाह की तरफ जा रहा है मामला, कहाँ जा रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे सिचुएशन जो है वो डिटोरिएट हो गई है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। और ये कोई 300 के लगभग इंसानी जाने चली गई हैं, चंद टोटल वहाँ पे ब्लैकआउट और एयरपोर्ट्स बंद हैं, गाड़ियों को थानों को आग लग रही है, जेल तोड़ दी है कुछ देर पहले, मतलब एक मुकम्मल एनार्की है वहाँ पे। ये वेंजुएला में मुजाहरे हो रहे हैं लेकिन किसी और अंदाज में हो रहे हैं। यहाँ पर चूँकि बड़ी पावर्स का है, मैं इसमें बरतानिया में तो दूसरे राइट्स हैं वहाँ पर, सुकून आए हुआ तो नस्ल परस्त और उस तरह से हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। लेकिन ये चूँकि एक बिग पावर कंपटीशन का ही हिस्सा हैं सारे के सारे मुल्क जहाँ पे